देवेंद्र, अभी क्या कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी मिल पाई मेदांता अस्पताल की तरफ से या डॉक्टरों की तरफ से? देखिए बिल्कुल, मेदांता अस्पताल की तरफ से अभी बुलेटिन जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ ही देर बाद बुलेटिन जारी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई थी, डॉक्टर ने यही कहना है कि उनको आईसीयू में भर्ती किया गया, तो उसके बाद से उनके जो दवाइयां हैं वो दी गई हैं, और बुलेटिन आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि और क्या क्या अभी दवाइयां देनी है। तो इन तमाम पहलुओं के बीच फिलहाल आईसीयू में सुशीला कटारिया और उनकी टीम के द्वारा लगातार इलाज किया जा रहा है, और जिस तरह से जो ऑक्सीजन में कमी देखने को मिली थी तो उसको मद्देनजर रखते हुए आईसीयू में लाया गया था, और फिलहाल उनको आईसीयू 5 में रखा गया है, और कुछ ही देर बाद जब बुलेटिन जारी होगा तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनको अभी किस तरह की दिक्कत है, क्या आईसीयू में अभी उनको लगातार रखा जाएगा या फिर उनको आईसीयू से बाहर निकालकर वार्ड में भर्ती किया जाएगा। लेकिन देवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी क्या डॉक्टर ये मान रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की हालत अभी गंभीर है या कोई थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार करीब 1.5 महीने से लगातार उनका इलाज मेदांता अस्पताल में हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जब गुरुग्राम आए थे तो उनसे मुलाकात करने वहां पहुंचे थे, और फिलहाल जिस तरह से उनकी स्थिति है, क्योंकि काफी दिक्कतें थी और यही कारण था कि लगातार उनको मेदांता में रखा गया, और अब जब आईसीयू में उनको भर्ती किया गया है तो उनकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि जिस तरह की पहली स्थिति थी उससे ज्यादा गंभीरता उनकी देखी गई, और यही कारण कि उनकी हालत गंभीर होने के बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया गया, और आईसीयू 5 जो है वो इस तरह का वार्ड बनाया गया है जहां क्रिटिकल स्थिति के बीच ही भर्ती किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो हालत है वो काफी गंभीर है, लेकिन लगातार जो डॉक्टर्स दवाई दे रहे हैं उसमें किस तरह की स्वास्थ्य में सही बेहतर तरीके से देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जब बुलेटिन आएगा तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनको अभी। बिल्कुल देवेंद्र, आप लगातार इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लेते रहे, क्योंकि आपसे हम आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भारद्वाज। मयूर के पास कुछ अपडेट है, लखनऊ लोग करते हैं। मयूर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इटावा में जो अखिलेश यादव का पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से एक हमको सूत्रों के हवाले जो है खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव ने अपने परिवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर यह मैसेज डाला है कि पिताजी की, नेताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं गुरुग्राम जा रहा हूं। इतना मैसेज अखिलेश यादव ने अपने ग्रुप पे डाला है, अपने परिवार वालों को सूचना दी है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। और शिवपाल सिंह यादव की भी खबर मिल रही है कि वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो परिवार के लोग, चाहे वो इटावा में हो, सैफाई में हो या फिर लखनऊ में हो, अब उनका नोएडा पहुंचना, माफ कीजिएगा, गुरुग्राम पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो स्थिति, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक इमोशनल पोस्ट जरूर किया है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूं, लेकिन अब वहां पहुंचने, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी हालत बद से बदतर हुई है लेकिन फिर भी वो वापस लौट के आए हैं, यानी कि वो वापस ठीक हुए हैं। तो ऐसे में सभी की दुआएं, जितना भी पूरा प्रदेश है, देश के लोग हैं, वो नेताजी के लिए दुआएं इस बात की जरूर करेंगे कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब ना हो, एक बार फिर से वो अपने लोगों के बीच वापस लौट कर आए। बड़ी खबर आपको बता दें कि खुद अखिलेश यादव ने ये बात अपने पारिवारिक ग्रुप में डाली है कि नेताजी की तबीयत में सुधार नहीं है और इसलिए वो गुरुग्राम के लिए निकल रहे हैं। ये उन्होंने अपने पारिवारिक ग्रुप के अंदर डाली है, जो इटावा का पारिवारिक ग्रुप है उसके अंदर उन्होंने डाली है, और वो अब गुरुग्राम के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर।